बोटिंग होती होती है। देखिए अभी बरसात में भी, क्योंकि दिन से बारिश नहीं थी, अभी शाम को हुई है, काफ़ी तेज़ बारिश है। देखिए काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारिश रुकने का। ये कल्चर को दर्शाते हुए पुराना घर रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घाम तापने का रहता है, कुमाऊनी लैंग्वेज में बोलते हैं। ये जाड़ों के दिनों की बेस्ट जगह है, काफ़ी सुंदर मार्केट बन गई है, फोटोग्राफी का यहाँ पे काफ़ी बेस्ट है। शाम के समय आइए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, विक्की एनटीएल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूं। और आज की न्यू वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, हनुमानगढ़ मंदिर आ गया हूं, नैनीताल से 3 किलोमीटर आगे। तो ये वाली गली जो गई, ये शीतला माता मंदिर के लिए गई है। और यहां पे तो अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं दर्शन नहीं करा सकता, बाकी मंदिरों में तो मैं आपको कराता ही हूँ। तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह है, तो कैसा प्रसाद है दिखाता हूँ मैं आपको। और एक दुकान भी खुली हुई है यहाँ पर, तो बैक कैमरे में ले चल रहा हूँ और यहीं से वीडियो की स्टार्ट करता हूँ और ले चल रहा हूँ आपको। नैनीताल की अपडेट भी देता हूँ, कैसा मौसम हो रहा है नैनीताल का, जैसे कि मैंने कल परसों में आपको दिखाया, तो आज का भी दिखाते हैं और ले चल रहा हूँ मैं आपको। तो बैक कैमरे में पहले दिखाता हूँ यहाँ से और उसके बाद फिर चलेंगे मल्लीताल की तरफ, वैसे ही देखते रहिए। तो ये है मेन गेट मंदिर का और ये वाला शीतला माता की तरफ को गया और ले चल रहा हूँ मैं आपको। इधर प्रसाद की दुकान है, तो कभी आप आते हैं तो यहाँ से प्रसाद लीजिएगा। यहाँ पे बूंदी का प्रसाद है हनुमान जी के लिए और यहाँ पे पेड़े भी हैं और लड्डू भी हैं, यहाँ से ले सकते हैं, चाय वगैरह यहाँ पे कुछ ले सकते हैं। बाकी इधर देखिए ये नई शॉप खुली है, इसमें काफ़ी कुमाऊनी उत्तराखंड का प्रोडक्ट मिलता है, तो यहाँ ज़रूर ट्राई करें आप लोग। और इधर से जाते हैं तो ये लेफ्ट में रास्ता जाता है, गेट खुला होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, वैसे तो खुला ही है, तो ले चल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे पार्क जैसा है, तो वहाँ पे बैठ के आप लोग बातें कर सकते हैं और खाना पीना कर सकते हैं, पर यह है कि गंदगी का ध्यान दें कि कहीं पे कूड़ा ना फेंकें। अपना कुछ भी आप लेके आते हैं तो वो अपना बैग में ही रखें, उसके बाद डस्टबिन ये बना हुआ है बाहर से, तो यहाँ डाल सकते हैं। बाकी अंदर की तरफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काफ़ी बढ़िया है। और बताना चाहूँगा यहाँ पर जो सनसेट होता है वो काफ़ी बेस्ट रहता है शाम के समय में, तो कोहरा कोहरा हो रहा है, उधर की तरफ का व्यू काफ़ी बेस्ट है, वो दिखाई नहीं दे रहा है आज, पुरानी वीडियोस में है। तो ये है गेट, तो ये है देखिए, काफ़ी सारा नेचर ब्यूटी है यहाँ पे और व्यू खुला रहता है, तो यहाँ पे फोटोग्राफी का काफ़ी बेस्ट है। तो कभी आप आते हैं तो ये कुमाऊनी ये कल्चर को दर्शाते हुए पुराना घर रखा हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला है देखिए। तो पहाड़ों में गांवों में जो घर रहते हैं ये वाले ऐसे रहते हैं, ये पत्थरों के पटाल वाले घर रहते हैं और देखिए खिड़की दरवाजे ऐसे लुक में होते हैं पहाड़ों में। तो पुराने घर ये यहाँ पे दर्शाया गया है, फोटोग्राफी कर सकते हैं आप। बाकी और आगे में जाके ये पॉइंट है, तो यहाँ से सनसेट काफ़ी बढ़िया होता है, कभी शाम को आप आएँ तो हनुमानगढ़ ज़रूर आएँ और इस पार्क को ज़रूर देखें। ये सामने है देखिए, यहाँ से फोटोग्राफी का भी है, काफ़ी व्यू है, तो इस समय तो कोहरा ही है। तो ले चल रहा हूँ मैं आपको, बाकी मल्लीताल की अपडेट देता हूँ, तो कैसा कुछ चल रहा है, कितना टूरिस्ट है। तो अभी बारिश ने साथ दिया है, हल्के हल्के अभी रुकी है, अभी बूंदाबांदी चली रही थी, क्योंकि तेज़ बारिश आजकल उतनी नहीं है, जैसे घबराने वाली बात नहीं है कि तेज़ बारिश हो रही है और नैनीताल में जाना दिक्कत है। इस समय आप आ सकते हैं, मौसम देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो इस समय मौसम बदलते रहता है, मौसम का मतलब कुछ कह नहीं सकते। नैनीताल का जो मौसम है, तो नैनीताल का मौसम बॉम्बे का फैशन जो बताते हैं, ये रियल में होता है, क्योंकि मौसम बदलते रहता है यहाँ पे, तो हर 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में इतना लगभग 1-1 घंटे में भी बदल जाता है मौसम यहाँ पर। तो कभी बादल हो जाता है और एकदम से कोहरा आ जाता है, कभी तेज़ बारिश भी हो जाती है, पर इस समय जो चल रही है हल्की बारिश है, तो ज़्यादा बूंदाबांदी वाली ज़्यादा है और तेज़ बारिश इस समय नहीं है। तो रास्ते भी सभी खुले हैं यहाँ पे, हल्द्वानी वाले रास्ते से आते हैं वहाँ वो भी खुला है, बाकी आप इधर कालाढूंगी होते हुए आते हैं दिल्ली से तो वो वाला भी खुला हुआ है, बाकी पहाड़ों में कहीं भी जाते हैं आप, मुक्तेश्वर रानीखेत अल्मोड़ा इधर की तरफ सब खुला हुआ है, तो आराम से आइए, कैंची धाम के भी दर्शन करिए और ये हनुमानगढ़ के भी दर्शन जरूर करिए, कभी आइए नैनीताल। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, बस। तो कभी नैनीताल आते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और ले चल रहा हूँ मैं आपको अब मार्केट की तरफ और वहाँ का भी दिखाता हूँ आपको, तो ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं हनुमानगढ़ से यहाँ पे बड़ा बाजार, तो दिखाता हूँ आपको खड़ी मार्केट यहाँ पे।
तो मौसम तो अभी तो साथ दिया हुआ है और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है रामलाल ब्रदर्स, जो कि अंग्रेजों के बाद ये दुकान है, और बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है देखिए खड़ी मार्केट, ये काफ़ी सुंदर मार्केट बन गई है। फोटोग्राफी का यहाँ पे काफ़ी बेस्ट है, शाम के समय आइए यहाँ पे तो ऐसा लगेगा आपको शिमला वाले मॉल रोड में हैं आप। तो ये मॉल रोड की तरह खड़ी बाज़ार बिल्कुल लगती है, और ये पान की दुकान है, तो बेस्ट पान यहाँ मिलता है बड़ा बाज़ार में। और यहाँ पे कैंडल का है, ये दुकान बंद है, और आगे रेस्टोरेंट भी है काफ़ी, और लोकल मार्केट ये कहलाती है। सबसे पुरानी मार्केट अंग्रेज़ों के टाइम के बाद की मार्केट यही वाली है। तो कभी आप आते हैं तो नैनीताल ऊपर की तरफ ज़रूर आएँ, क्योंकि बड़ा बाज़ार खड़ी मार्केट, तो यहाँ ज़रूर आएँ आप। तो ले चल रहा हूँ मैं आपको नीचे की तरफ, और वहाँ की भी दिखाता हूँ अपडेट, तो ऐसे ही देखते रहिए। तो दोस्तों बाज़ार से मैं ये ओपन एयर थिएटर के पास पहुँच गया हूँ, और बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हवा चल गई है, तो बैक कैमरे में ले चल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो छाता भी रखिए क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फिर भीगते हुए कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको नीचे मार्केट कितनी लगी हुई है, फुटपाथ मार्केट, और गेम भी हो रहा है तो बड़ों का मैच चल रहा है, क्योंकि फुटबॉल बेस्ट होता है नैनीताल में, तो काफ़ी लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं फुटबॉल के टाइम पे ज़्यादातर रहते हैं। बाकी क्रिकेट भी होता ही है, हॉकी भी होती है, सारा कुछ यहाँ पे रहता ही है, साल भर पूरा रिपीट रहता है। बैक कैमरे में ले चल रहा हूँ। तो हल्के हल्के देखिए यहाँ पे छींटे पड़ने लगे हैं, और छाता खुल गई हैं देखिए, और इधर की तरफ देखिए ये गाड़ी पड़ाव है सामने, और ये वन वे गया बड़ा बाज़ार की तरफ, और ये मॉल रोड है। देखिए इक्का दुक्का टूरिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी दूर के लग रहे हैं ये लग रहा है। तो सैटरडे संडे तो यहाँ पे रहता ही रहता है, तो संडे का दिन है तो बारिश पड़ने लगी है। मैं भी छाता खोलता हूँ और फिर नीचे से दिखाता हूँ आपको गेम। तो देखिए बारिश हो गई है शुरू शाम के समय में, तो अभी दिन से मैंने वीडियो की शुरुआत करी और हनुमानगढ़ टेम्पल दिखाया आपको, और अब पहुँच गया हूँ देखिए शाम के समय में, तो बारिश होने लगी है काफ़ी तेज, तो लोग भगदड़ मचा रहे हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए छोटे बच्चों का मैच चल रहा है यहाँ पे, और सामने चल रहा है देखिए बड़ों का, और एकदम से भगदड़ हो गई है। देखिए सबने दौड़ लगाई है क्योंकि बारिश हो गई है, कुछ लोगों के पास छाता नहीं होती है तो दौड़ लगा लेते हैं। देखिए कुछ लोग तो छाते के संग यहाँ पे रेडी हैं बिल्कुल मैच देखने के लिए। तो ये धूप तापने घाम तापने का रहता है, कुमाऊनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये जाड़ों के दिनों की बेस्ट जगह है। तो आजकल तो फुटबॉल जो है बेस्ट फुटबॉल माना जाता है नैनीताल का, बाकी क्रिकेट भी काफ़ी बेस्ट रहता है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ चल रहा है, और ऊपर में देखिए कोहरा हल्का हल्का सा है, बारिश लगातार होने लग गई है अब, तो मौसम बदलते रहता है। इस समय नैनीताल सस्ता है, इस समय होटल भी सस्ते हैं, और यहाँ पे आप आते हैं तो दुकानों में भी डिस्काउंट मिल जाता है, और मौसम बदलते रहता है, तो आपको यहाँ पे इस समय धूप भी मिल सकती है और बारिश तो है ही है, बाकी बढ़िया है। इस समय आइए, सब कुछ सस्ता है, और इस समय रोडें भी खुली हैं, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि सारे रास्ते खुले हुए हैं, इस समय नैनीताल टूर बना सकते हैं आप। तो एक बार विजिट जरूर करिए नैनीताल। तो काफ़ी सारे देखिए यहाँ पे छातों में लगे पड़े हैं, काफ़ी मजदूर और मिस्त्री भी यहाँ पे मिल जाते हैं, और फुटपाथ मार्केट की तरफ ले चलता हूँ और झील दिखाता हूँ आपको, क्योंकि झील मेन है, तो बोट स्टैंड तो मेन है ही है नैनीताल का। तो ले चल रहा हूँ वहाँ पे, बारिश में कैसा चल रहा है दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी तक तो बारिश थी नहीं दिन से, तो अभी शाम ही को हुई है ये स्टार्ट। तो 5:30 हो गए हैं इस समय, और चल रहे हैं देखिए, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, इधर से भी आ रहे हैं। तो ये पंत पार्क है, और गोविंद वल्लभ पंत जी की मूर्ति जो है वो रिक्शा स्टैंड के पास है। तो बाकी दिनों में मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे, ये रास्ता ग्राउंड की तरफ है। तो देखिए यहाँ पे चाय पानी का है, तो काफ़ी सारे स्टॉल हैं छोटे छोटे। यह है पार्क देखिए सामने, और देखिए हेलो, ये सब लोग चाय के लिए यहाँ पे हैं। और अब चलते हैं झील दिखाते हैं आपको, और फुटपाथ मार्केट लगभग शुरू है। तो ये रिक्शा स्टैंड की तरफ गया, देखिए यहाँ पे भी तिरपाल डाल चुके हैं दुकानों में, मार्केट जैसी बारिश रुकती है तो खुल जाती है ये, और सब लोग इंतज़ार में हैं।
कब रुके, तो हल्की हल्की है, ऐसा कुछ नहीं है। बिना छाते के भी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोग। तो देखिए उधर में काफ़ी छाते वाले दिखाई दे रहे हैं, देखिए। और छाते की शॉप भी है यहाँ पे, तो मल्टी छाते मिल जाते हैं बरसातों में। मैंने सही कर रखा है यहाँ पे, ये बरसात में छाता मेन है। बाकी सारे भी दुकानें हैं, और इसकी बात करें देखिए यहाँ पे भी बच्चे वाले हैं, और काम धाम कमी है। बाकी संडे सैटरडे संडे तो यहाँ पे बोटिंग होती होती है, देखिए अभी बरसात में भी, क्योंकि दिन से बारिश नहीं थी, अभी शाम को हुई है और बोटें दिखाई दे रही हैं काफ़ी। तो सैटरडे संडे बोट वालों का भी काफ़ी बढ़िया चलता है, और बारिश हो जाए तो बस थोड़ी दिक्कत है। ये टिकट काउंटर है सामने, ये टूरिस्ट आ गए हैं देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो आप भी बनाइए प्रोग्राम, नैनीताल सेफ है इस समय, तो नैनीताल आना बेस्ट है इस समय, क्योंकि मौसम बदलते रह रहा है और रास्ते खुले हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। तो नैनीताल टूर बनाइए आप, कि देखिए नज़ारे इतने बढ़िया हैं इस समय, तो जगह जगह कब बादल आ जाए, और आपको बढ़िया ठंडा फील भी होने वाला है इस समय। और देखिए जगह जगह जो कूड़ा फेंक देते हैं वादियों में, रास्तों में और नाले द्वारा, ये झील में आ जाता है। तो देखिए मछलियाँ भी आई हैं, भाई ऐसा ना करें कि जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं, वो ये नाले द्वारा यहाँ पहुँच जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, और लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि बरसात लगातार है, वैसे तो ऊपर तक आ जाता है ये। तो तल्ली ताल में डांट खोल दी गई है, तो उससे नैनीताल की झील कंट्रोल में है और सेफ है। तो इस समय देखिए ऊपर का नज़ारा देखिए काफ़ी दिखाई दे रहा है अभी तो, और इधर की तरफ भी देखते हैं, देखिए इधर की तरफ भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। बाकी जूमलैंड आते हैं आप, तो वहाँ बच्चों को स्केटिंग भी करा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी मार्केट तो यही है, बाकी तिब्बती मार्केट। नैना टेम्पल की तरफ आप जाते हैं तो गुरुद्वारा उस तरफ में है, और राइट में जाते हैं तो पार्किंग है, ग्राउंड पार्किंग, उसके बाद जामा मस्जिद है, और उसके बाद DSA ग्राउंड और नगर पालिका से होते हुए बड़ा बाजार, उसके बाद मॉल रोड ये वाला है। तो यहाँ चर्च है, चर्च भी आप कवर कर सकते हैं नैनीताल टूर में। तो आप लोग बनाइए इस समय प्रोग्राम, बहुत बेस्ट अभी यहाँ पे सस्ता कुछ है सब कुछ। तो इस समय आइए और इन्जॉय करिए। तो दोस्तों झील से मार्केट की तरफ आ गया हूँ, और 6 बज गए हैं, देखिए यहाँ पे बारिश होने लगी है फिर से। तो अभी थोड़ी देर के लिए रुकी थी और उसके बाद फिर से होने लगी है, और बैक कैमरे में ले चल रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं, बड़ा बाजार के पास हूँ, तो देखते रहिए। तो देखिए बड़ा बाजार से यहाँ पे नीचे को जाता है रास्ता माँ नैना देवी मंदिर की तरफ, DSA ग्राउंड, और ये है देखिए यहाँ पे मल्टी शॉप है। और आगे को दिखाता हूँ मैं, बारिश में काफ़ी तेज़ बारिश है, तो थोड़ा भीगते हैं और दिखाते हैं हल्का फुल्का। तो देखिए काफ़ी लोग अंदर को घुसे हुए हैं, काफ़ी तेज़ बारिश है, देखिए काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारिश रुकने का। इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, ये देखिए इधर भी सुपर मार्केट है। और खड़ी मार्केट दिखाता हूँ मैं शाम के समय की, दिन की तो आपको दिखाई दी, उस समय की दिखाई देखिए, अभी वाली देखिए पूरी खाली है मार्केट, और बरसात लगी है। तो आ रहे हैं, ये देखिए मेगी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो कुल्लड़ वाला दूध अगर पीना हो यहाँ पी सकते हैं। दोबारा आ गया हूँ देखिए यहाँ पे, और तो देखिए बारिश काफ़ी तेज़ है, और मल्होत्रा कैंडल बंद है इस समय। देखिए इधर भी दुकानें हैं, तो बारिश काफ़ी तेज़ है, दुकानें खाली हैं। देखिए एक तो संडे का दिन है तो अभी कम ही लोग आए हैं, वैसे दिन में आ गए थे लोग, तो अभी देखिए दुकानों में कमी है भीड़। और ये अनुपम रेस्टोरेंट आ गया देखिए, गुडलक पार्लर, और इधर भी मल्टी शॉप है देखिए काफ़ी सारी। देखिए यहाँ पे पैकम पैक चल रहा है, अनुपम रेस्टोरेंट, शिवा रेस्टोरेंट, ये वाला खाली है आज, इधर वाला लगभग है। और देखिए राम रतन यहाँ पे ले सकते हैं आप ज्वेलरी का। बाकी आगे मिठाइयाँ हैं, जलेबी है और नमकीन है नैनीताल की। बाकी कैंडल तो आपको जगह जगह हर जगह मिल जाती है, तो आगे ना जाके फिर यहीं से वीडियो का, आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे से है नैनी गिफ्ट सेंटर, और आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो में आज की अपडेट दी मैंने नैनीताल की आपको, और ऐसी ही अपडेट और भी मिलते रहेगी आपको। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल में नए हैं तो एक बार जरूर करिए।
मिलते हैं कोई और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।